hello you all my lovely buddies and a very warm welcome to you all on this amazing platform and i your english educator pooja sharma here have something for you what i have that is a poem yes they go the? pehle chapter read and it is it was all about freedom fighter so it brings us to know that how essential and how much importance of freedom is in our life right सिमिलरली वी आर बिकमिंग सेल्फिश हम सिर्फ अपना अपना ध्यान रखते हैं दैट ओके okay, हमने फ्रीडम पा लिया हमको ना कुछ भी कोई कुछ ना बोले लेट आएंगे ले लेट जाएंगे कोई भी कुछ ना बोलो जस्ट इमेजिन ऑफ दैट काइंड ऑफ लाइफ दट इफ़ यू आर केज इफ यू आर लाइक लॉक्ड इन अ रूम बिफोर योर एग्जाम्स एंड इट इज गोइंग टू बिफोर एवर लाइक राइट आप तो एग्जाम की एक महीने तक भी लॉक नहीं रह सकते हो कि नहीं नहीं थोड़ा सा बाहर जाके सांस लेके आना है बाहर क्यों जाना है लाइक इवन इन ऑफिस वी वर्क सो वट इट है

मैं रिपीट करती हूं मेरा क्वेश्चन आई आस्क यू क्या आपको लगता है कि टाइगर को जू में रखना चाहिए क्या वही उसके लिए बेस्ट प्लेस है सो आई होप दैट यू हैव गिवन द आंसर एंड इट मस्ट बी नो राइट येस तो जब हम कह हम अपनी जिंदगी के साथ में अपनी फ्रीडम के साथ में हम लोग नहीं कर सकते हैं कुछ भी लाइक थोड़ा बहुत भी मोल्ड नहीं कर सकते हैं वी डोंट वॉन्ट एनी वॉन्ट इंटरफेयरेंस इन आर लाइफ दैन हाउ वी कैन डू विद द अदर एनिमल्स सो दिस इज अ पोम एंड विच इज़ अ थाटफुल पोम विच मेक्स अस रियलाइज दैट हाउ वी आर इंक्रोचिंग इन एनिमल्स लाइफ एंड वट वी बिकॉज ऑफ आस दे आर बींग गोइंग थ्रू दे Are suffered for. So this is the picture in your. Uh बुक एज वेल हमारी जो बुक है उसके अंदर यही पिक्चर है आई टाइगर इन द जू एंड लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर फर्स्ट ऑफ ऑल आई सल्यूट दिस ऑथर टू हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेकिंग द स्टूडेंट्स द चिल्ड्रेन ऑफ दिसरा अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एनिमल एज वेल सो ये इनका नाम क्या है हिज नेम इजार्ज लेस्लि नोरस आपको सिर्फ लेस्लि नोरस याद करना है तो भी कर सकते हैं जॉर्ज लेसली नोरस याद कर सकते हैं एनी वे यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द पोएट ओके वाई इट इज इंपॉर्टेंट यू नो

जू में ही हैज नो फ्रीडम यू ऑल नो कि जब जू में रहेंगे तो कोई फ्रीडम नहीं होगी और नेचुरल हैबिटेट में वही उनकी फ्रीडम है इवन ही इज़ वन जो लोगों को डरा सकता है है ना टेर टर्र, टेररिस्ट वाला जो होता है ना वो वैसे आ, हमको क्रिएट कर सकता है आ, हमें फील स्क्यड uh, वाली फीलिंग आ सकती है लाइक दैट ही इज इन अ सीमेंटेड सेल बिहाइंड द बार्स बिहाइंड द बार्स मतलब केज में रखना जेल के लिए भी यूज किया जाता है बिहाइंड द बार्स अगर आप दिस यू यूज दिस वर्ड्स टू टेल दैट ही इज बिहाइंड द बार्स मीन्स दैट इज ही इज प्रेजेंट ओके ही फील्स एंग्री एज वेल ही इज ऑलवेज यू कैन सी ही इज नॉट यूज फॉर द पोएट हर हीज यूज फॉर tiger okay Are you you know, yeah in like in your childhood you must have heard about that that he is used for male and she is used for female and it is used for animals and non-living things. But uh, gradually we got to learn about the things that even they are also having their life. So what is uh, written? he is written for the tiger. So he feels angry and frustrated and helpless. this is all about in this poem. So this poem starts like this. I will read the poem where I w I feel that hindi meaning I would definitely tell you about that. एज वेल एज हम क्या करने वाले हैं Um, I'll miss a detailed description i will tell you about the theme the rhyming scheme and everything everything with the question answers at the end so you still remain till the end of the session and do like and share this session let's get started he stalks in his vivid stripes this is called a stripe see if the spelling is this this is called a strip and this is stripes the pronunciation changes and you, when you are connected with me and you are in my classes aapko se pronunciations kya, kya,

यू डोंट लाइक टू गो टू सर्टेन प्लेस आप कहीं पर भी जैसे कोई कोई लोग अपने निहाल जाना पसंद नहीं करते हैं या प, पर्टिकुलर कोई एक ऐसे रिलेटिव होते हैं उनके यहाँ पे जाना पसंद नहीं करते हैं राइट दे डोंट फील बाय दे आर लाइक ऐसे मत बैठो यहाँ मत ये यह मत करो वो मत करो तो आपको ऐसा एकदम सर्टेन जगह पर बैठ के बस ऐसे चुपचाप बैठना है ऐसा करके इवन देर आर समीचर्स एज वेल देट यू डोंट लाइक टू अटेंड द्लासेज बिकॉज वो एकदम आपको अलग ही जगह पर लेके चले जाते हैं सो माई क्वेश्चन हेयर इज दैट इवन

मैं कहूं अगर आपको चार दिन ननिहाल आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल हालांकि सबको मुझे तो लगता है कि ननिहाल में रहना बहुत पसंद होता है बिकॉज वहां पे ममा हमें डांट नहीं सकती हैं है ना तो बट एक एग्जाम्पल यह है कि ऐसी जगह है जहां पे आपको हमेशा के लिए रहने को बोल दिया जाए और आपके ऊपर क्रूरता क्रूआलिटी होगी आपके ऊपर लोग लो आपको आएंगे जाएंगे पुक करेंगे आपको और हो सकता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो आए और वो आपको पनिशमेंट भी दे आप नहीं चाहते हो एंटरटेन करना लेकिन वो बार आएंगे आपके ऊपर लाइट वाइट करेंगे ऐसा ऐसा करके सो हाउ इट फील्स हाउ इट फील्स यू कैन फील इट यू इफ यू डोंट फील इट तो ये पोम आपको कहीं पे भी कहीं पे भी टच नहीं करेगी एंड दिस इज अ टची पोम एक्चुअली एक्चुअली इट इज वेरी टची वंस व्हेन आई वाज लाइक

i can hear some sound i don't know what of that so it's pinjra okay on pads of velvet quite what is called as pads okay uh, jo unke हम बात करते हैं पाव है उनके जो पाँव है ना आपने सुना होगा टाइगर्स जो होते हैं ना उनके जो पाँव होते हैं इनकी जो पाँव की जो आवाज होती really, uh, है इट्स रियली हर्ड है ना ज्यादा सुनाई नहीं देती बिकॉज ये बहुत ही सॉफ्ट लाइक स्पॉन्जी मतलब एकदम ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट से ऐसे ऐसे होते हैं तो दैट्स वॉट रिटर्न बहुत ही वेलवेटी होते हैं एंड हेज क्वाइटरेज ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेयर प्लम्प डियर पास नाउ द फर्स्ट इज अबाउट द जू ज अबाउट द जू एंड सेकेंड वन इज अबाउट नेचुरल हैबिटेट सो फॉर नेचुरल आई विल राइट इन इच ओके तो सेकंड बता है कहा होते ही शुड बी लर्किंग इन शेडो मतलब ये बाहर होते अपने नेचुरल हैबिटेट में होते जहां पे इनको होना चाहिए वहां होते स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास मतलब हम कह सकते हैं लंबी लंबी सी जो घास होती है ना उसके बीच में से कैसे आपने अगर मूवीज देखी है या नेशनल जोग्राफी चैनल आपको देख खाना खाते हुए एक तो लोग एक कैटेगरी के लोग होते जो खाना खाते हुए हुए तारक मेहता देखते एक कैटेगरी के लोग होते जो खाना खाते हैं हमेशा ये नेट जियो या फिर डिस्कवरी चैनल जरूर से देखते हैं सो इफ यू वॉच डिस्कवरी चैनल है ना तो यू हैव यू हैव दैट ग्लिम्स एंड यू कैन जस्ट थिंक ऑफ दैट आपको ऐसे क्लिक करेगी कि हाँ ऐसे मैंने देखा था तो बहुत सारी घास है घास के बीच में से फ्रॉम द ग्रास वो क्या करते हैं मूव करते हैं तो दैट इज द मोमेंट इट इज शेयरिंग विद अस नियर द वॉटर होल वाटर होल मीन्स यहाँ पे वाटर बॉडीज से है वाटर बॉडीज कैन बी लाइक पॉन्ड है ना पौंड को भी कहा जा सकता है कि वाटर बॉडी में हम क्या बात कर रहे हैं पौंड छोटा सा पानी का जगह है जहां पे वो क्या कर रहे हैं वो घूम रहे हैं और वो वहां पे क्यों घूम रहे हैं बिकॉज दे नो क्योंकि टाइगर को पता होता है कि अभी ये टाइम है जब डियर आएगा और डियर आके पानी पिएगा एंड आई विल झपट्टा ऑन द मतलब मैं क्या करूंगा उसको उसके तो झपट्टा मार दूंगा और मैं अपना पेट पूजा कर लूंगा सो द वेयर द प्लम्प डियर ऑल्सो पास फ्रॉम दैट वो डियर भी पास होते हैं तो उसके आसपास में ये क्या करते हैं लर्क अराउंड करते हैं घूमते फिरते हैं मूविंग अहेड द थर्ड पैराग्राफ हियर द थर्ड पैराग्राफ सेज ही शुड बी स्नैलिंग स्नैलिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज इजिंग द विलेज अब ये अगेन दो थर्ड है वो किसके बारे में बता रहा है इट टेलिंग अस अबाउट द नेचुरल हैबिटेट कि उसे एक्चुअली कहाँ होना चाहिए तो उसे तो गाँव में लाइक मतलब ये क्या करना चाहिए था ये तो घरों के आसपास में कहीं पे घूमते हुए लोगों को डराते हुए टेरराइज करते हुए होना चाहिए था जहां पे एट uh, एज कहां पे जंगल के एज पे एज मींस किनारा द बाउंड्री पार्ट ऑफ द जंगल तो वहां के आसपास के जो घर होंगे उन घरों के आसपास में कभी ना कभी वो दिखने वाला टाइगर uh, है ये और वहां के लोग उसको देखते ही अपने घरों में बंद हो जाते हैं सिमिलर टू दैट बैरिंग हिज वाइट फैंग्स यू कैन सी फैंग्स द लॉन्ग टीथ टीथ्स इज वॉट फैंग्स द लॉन्ग टीथ

मतलब डेफिनेटली अगर ये नेचुरल हैबिटेट में होता तो इट वुड बी देयर बट इन अ कंक्रीट सेल अब पे अगेन जू का जू का पार्ट आ चुका है कि लेकिन ये कहाँ है अभी ये कंक्रीट सेल के अंदर बंद हो चुका है His strength behind bar और उसकी जितनी भी ताकत है वो कहाँ है बार के पीछे बार मीन हम बात कर रहे हैं कि इसकी केज की कि इसकी जो जितनी भी ताकत है वो कहा है केज के पीछे बंद हो चुकी है एंड स्टोकिंग द लेंथ ऑफ इज केज इग्नोरिंग विजिटर्स अब वो क्या कर रहा है बस केज की लंबाई देख रहा है कि कितना साज है और अगर कोई विजिटर आएगा तो मुंह फिर कैसे बिट जाएगा कि मेरे को क्या लेना देना मेरी तो जगह है नहींटाइम टाइगर like okay? so, uh, uh, जो होते हैं हाउ दे फील वेन दे आर नॉट अलाउड टू डू वट दे आर फॉर है ना उनको जो करना है उनको नहीं करने दिया जाता है उनको एकदम केज के अंदर बंद कर दिया जाता है आते जाते विजिटर्स उनको कोई तो कुछ कुछ मारता है है हाँ ना कि कोई कोई तो पत्थर निकालेगा लेगा आसपास में से कुछ ना कुछ ढूंढेगा और मारेगा नो no, हाउ आपको कैसा फील होगा इफ लाइक कम्स टू यू एंड मार दे अगर ऊपर से चिड़िया उड़ती हुई भी, भी अगर शिट कर देती है ना आपके मुंह से दो तीन तो अच्छे अच्छे से बहुत ही uh, प्यारे प्यारे से शब्द निकल जाते हैं है ना जबकि आप तो वो चीज सहन नहीं कर सकते और एक अच्छे से प्यारे से आराम से बैठा हुआ कोई भी जानवर है आप उस जू में जाके उसको छेड़ के आते हो देन वी डू वी गिव देम टू ईट एज वेल अब आपको पता नहीं है हम चिप्स खा रहे होते हैं हमने चिप्स ही दे दी उनको हमने जो खाना हो रहा था या जो भी चीज होती है हमारे हाथ में हम कुछ नहीं तो रैपर ही दे, दे देते हैं इवन uh, मतलब आई डोंट नो हाउ अडल्ट भी ऐसा काम करते हैं तो ये सारी चीजें क्या है सही नहीं है वी शुड नॉट डू दिस दिस शुड नॉट बी इन प्रैक्टिस नाउ ही हर्स द द लास्ट वॉइस एट नाइट ही पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स अगेन दिस इज अबाउट ऑफ हिज व्हेन ही प्लेस्ड इन द जू हाय रब्बा जू का जेड अच्छा भी नहीं लग रहा

पेट्रोलिंग कार्स नहीं पता है लेट मी टेल यू आपने देखी होगी गश्त मारती हुई जिप्पें निकलती हैं जिप्पें बिल्कुल है ना गश्त मारती हुई गाड़ियां होती है पुलिस की एकदम श्यू करके आती है निकलती हैं और फिर आ, हम देखते हैं कि दैट इन दैट प्लेस इफ़ देर पीपल गैदर्ड जैसे कि कोविड के टाइम पीरियड की बात करें इफ़ पीपल लाइक टू और थ्री पीपल दे आर इन अ ग्रुप एंड दे आर गैदर्ड समवेयर तो वहां पर पेट्रोलिंग कार जाती है और देखती है और फिर उनको बोलती है कि भाई जाओ अपने अपने घर जाओ यू डोंट यू नो अबाउट दिस कंटिज्यूनियस थिंग्स एंड ऑल तो एक पेट्रोलिंग कार्स का मतलब क्या होता है दे uh, पेट्रोल

एट द ब्रिलियंट स्टार्स टाइगर जो है रात को शांति में दिया फीलिंग पीसफुल ना और वो स्टेयर कर रहे हैं किस को एट दैल इफ यू हैव सीन एनी एनिमल एट नाइट इन द्रॉम द इवनिंग पार्ट टू द नाइट अगर हम रात को कभी देखते हैं ना जानवर उनकी आंखें ना अलग से चमकती है अलग सी ही चमकती है लाइट जब उनकी आंखों पर जाती है सो दैट इज द वे वी कैन सी दट दैट ही स्टेयर घूरते हैं विद्राइट ब्रिलियंट आईज उनकी जो आईज है वो कितनी ब्रिलियंट है वी कैन सी बाय द स्पार्कल एंड बाय द ब्राइटनेस

Poet names are very much important, and about the poet and the author, it's also important for you. So let's move ahead and do this part, uh, that is glossary part. Okay. So in the glossary part, what few words I have to tell you that is stalks means stem, stripes means belt. Belt here it is not the belt. Stripe means the, these lines. These lines are the stripes, okay, which are in the form of. Uh, लाइक वाइड लेंथ लर्किंग मीन्स छुपाना खुद को इधर उधर छुपाना हाइड करना एंड स्टॉकिंग मीन्स फॉलोइंग स्टॉक करना मतलब फॉलो करना सो दीज आर द वर्ड्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड आई हैव टोल्ड यू मूविंग अहेड आई हैव बिकॉज बच्चों आपका लाइक हमेशा रहता है दैट मैम प्लीज टेल एस अबाउट दिस थिंग दैट थिंग दो मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता देती हूँ स्टिल यू आस्क मी राइट सो आई हैव दिस पार्ट योर

देन अगेन केज एंड रेज तो यहाँ पे देखो ये स्ट्राइप्स है फिर केज आया हमने इसको B किया. Of, uh, so, तो हमने क्या किया ए करा क्योंकि है ये किससे होगा से हो गया चलो. हमने इसको बी कहा क्योंकि और आपस में नहीं कर रहे तो तो सो लेट्स डू दिस पार्ट सो राइमिंग स्कीम यू ऑलवेज रिमेंबर

Uh, the next thing is, are you all ready for the rapid fire round? Tell me in the comment section quickly about the rapid fire round. Are you all ready for that or not? I hope that you all are ready because you have been so long here just to answer the questions which I'm going to ask you. So, here yeah, the very first question is the poem draws a contrast between. contrast? Uh, animals or human beings? Between tiger in a zoo or tiger in a forest and tiger in a zoo and humans and human or tiger in forest. So, I can. See say that you have must answered it already with very question easily that is a tiger in a zoo and tiger in a forest okay so this is the part uh, you find it out the answer in that easiest way next question is the main contrasting idea which suggests about uh, by the extract is that of what's the idea so here you have got the theme as well here you got the idea as well central idea you ask they theme all you the students say that central idea nahi somewhere central idea and theme like uh, goes with

Ah. तुम लोग भी लिखते थे पहले शायद आई डोंट नो व्हाट वी राइट ऑन लाइक आई प्रोफाइल्स माय लाइफ माय रूल्स माय फ्रीडम लाइक दैट है ना सो we are very much peculiar about our freedom but when it comes to animals we don't care that's very bad now the next question and the third question is the tiger a tiger's presence in the natural habitat is important natural habitat me kyun zaruri hai ye aapko batana hai from this poem you we get to know about the example of deer as well deer ka ek example what the poet wants to tell us so a its glory it's it helps maintain the vegetation it gives hunters a wild chase or it maintains the balance of the food चेन ओके देयर का एग्जांपल क्यों दिया है बिकॉज़ ये फूड चेन का प्रोसेस है इफ यू हैव अभी तो पढ़ाई होगा डेफिनेटली साइंस में तो आपने फूड चेन के बारे में जानना ही होगा कि भाई कौन किसको खाता है फिर कौन किसको खाता है फिर कौन किसको खाता, किस खाता है ऐसे खाते 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 फूड चेन बन जाती है सो दैट इज अबाउट सो व्हाई अ टाइगर मस्ट बी इन अचुरल हैबिटेट टू में बैलेंस ऑफ फूड इन इसीलिए फूड चेन का बैलेंस बनाए रखने के लिए इसीलिए एग्जाम्पल भी दिया है ऑफ द डियर एज वेल एंडक्स्ट क्वेश्चन विदर आई है स्टूडेंट माइट फील कि हमको आंसर कहाँ मिलेगा है ना तो आंसर भी यहाँ दे देंगे हमको दिक्कत नहीं है आई जस्ट वॉन्ट यू टू डू लॉर्ड ऑफ प्रैक्टिस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो यू फील इट कॉन्फिडेंस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना बट आप प्रैक्टिस करो राइट योर ओन आंसर इवन यू कैन गेट हिंट फ्रॉम योर एज वेल अब इतना सारा याद नहीं होगा तो मेक इट कम्पैक्ट और आप अपना आंसर बना सकते हो डोंट वरी ओके वट ड पोएटे कन्वे थ्रू द पोम एवरीथिंग कैन कम थ्रू दिस क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से सॉरी इस पोम में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ये आंसर आपका कहीं पर भी फिट हो सकता है यू कैन राइट दिस आंसर एनी वे एनी टाइम देखो द पोएट ट्राइज टू एक्सपोज द मिजरेबल लाइफ लेड बाय द एनिमल्स इन द जू मतलब वो बताते हैं एक्सपोज करते हैं दैट हाउ एनिमल्स आर ट्रीटेड इन द जू एंड दे एक्चुअली फील ही कंपेयर द लाइफ ऑफ द टाइगर इन द जू एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट द एनिमल हैव द राइट टू फ्रीडम एज वेल एंड शुड नॉट बी खेच दे शुड बी अलाउड टू रन फ्री इन द वर्ल्ड सो मैंने क्या कहा कहाट्स वाई आई एम ऑल्सो लाइक ऑलवेज कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर एंड योर सब्जेक्ट कंसर्नस राइट तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ मैं ऐसा क्वेश्चन आपको ऑलवेज प्रोवाइड कर दूँ जहाँ पे आप इस आंसर को कहीं पर भी लिखें तो यू विल गेट दाइट आंसर्स ओके सो आई हैव गॉट एवरीथिंग टू यू एंड यू मस्ट ऑल्सो हैव डन वॉट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली कमेंटेड एंड एंड शेयर जरूर से करिएगा इस सेशन को ऑन दिस नोट आई एम जस्ट गोइंग टू सेफ यू आर एन एनिमल लवर और नॉट बट यू मस्ट रिस्पेक्ट एवरी वन फ्रीडम ओके सो थैंक यू सो मच बु बाय